नमस्कार, हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले बजट की बात की जाए, क्या बड़ी बातें, कौन से बड़े हाइलाइट्स, क्या बड़े टेकअवेज आपके लिए? आज केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ यह बजट बहुत ऐतिहासिक है और सभी वर्गों का कल्याण इस बजट में निहित है। सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है और विशेष रूप से अगर हम देखें तो कृषि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस बार 1,15,000 करोड़ से अधिक कृषि मंत्रालय का बजट है। कृषि शिक्षा के लिए 9,000 करोड़ रुपया, तो लगभग कुल मिला के 1,25,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर पे प्रावधान किया है, जो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। कृषि के क्षेत्र में हम सब ये महसूस करते हैं कि कृषि को उन्नत कृषि में तब्दील करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसान कर सके और किसान तक टेक्नोलॉजी पहुंच सके, इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप सब ने पिछले बार भी अनुभव किया होगा, एग्रीकल्चर को डिजिटल एग्रीकल्चर के रूप में तब्दील करने की दृष्टि से हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार इस पर 70 करोड़ रुपया ही था, लेकिन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मिशन के रूप में स्वीकार करके सरकार ने 450 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया है। इससे आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक प्रकार से क्रॉप का आकलन किया जा सकेगा, फसल बीमा जैसे योजनाओं का लाभ आम किसान को मिल सकेगा और किसान को अनेक प्रकार की एडवाइज डिजिटलाइजेशन होने के बाद केंद्र सरकार और अन्य संबंधित संस्थाएं दे सकेंगी। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार का प्राकृतिक खेती पर बल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती गाय आधारित खेती भी है और इस खेती में जो उत्पाद है वो प्राकृतिक है, केमिकल रहित है और मनुष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और किसान को भी इसका दाम ज़्यादा मिलता है। इसलिए प्राकृतिक खेती को बल देने की दृष्टि से लगभग 460 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।